अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। लेट्स कम टू द स्टडीज। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 58। स्टूडेंट्स, दिस इज यूनिट नंबर 14, चेंजेस कम्युनिकेशन। वी हैव रेड पेज नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। देन पीपल थॉट ऑफ स्टार्टिंग पोस्टल सर्विसेज। तब लोगों ने सोचा पोस्टल सर्विस के लिए, यानी डाक की जो खिदमात हैं, सर्विस है, उसके हवाले से। इससे पहले कौन सी चीजें थी स्टार्टिंग में, कि कम्युनिकेशन के लिए या मैसेज सेंड करने के लिए पिजन्स यूज होते थे, कि उनके पैरों में मैसेज जो है वो बांध दिया जाता था और वो ट्रेंड होते थे कि वापस उड़कर अपने घर जरूर आते थे। इस तरह मैसेज जो है वो वापस वहां पर पहुंचा दिया जाता था। उसके बाद हॉर्समैन, किस तरीके से लोग सफर करते थे घोड़ों पर, लंबे लंबे रास्ते तय करके जाते थे, लेकिन वो ज्यादातर बादशाह या अमीर लोग जो हैं वो इस पर्पस के लिए, अपने पैसेजेस पहुंचाने के लिए घोड़ों घोड़सवारों का इस्तेमाल करते थे। फिर कुछ वक्त आगे गुजरा और फिर लोगों ने सोचा कि पोस्टल सर्विस का एहतमाम किया जाए। उसके लिए अ पोस्टमैन वुड टेक लेटर्स एंड डिलीवर देम एट द एड्रेसेस रिटन ऑन द एनवेलप। फिर जो डिसाइड किया, इसके ऊपर काम किया गया, और फिर एक पोस्टमैन जो होता था, डाकिया जिसे कहते हैं, वो लेटर्स को लेकर जाता था और घर घर उन एनवेलप्स के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता था, और वो हर घर में उस एड्रेस पर जाकर खत पहुंचा दिया करता था। द पर्सन रिसीविंग द लेटर वॉज सपोज टू पे द पोस्टेज। जो डाक की पेमेंट कह सकते हैं, सर्विस की जो डिमांड है, उसके लिए जिस शख्स को लेटर भेजा जाता था उससे उसकी पेमेंट जो है वो करनी पड़ती थी। सम पीपल डिड नॉट पे द पोस्टेज एंड रिफ्यूज टू रिसीव द लेटर सेंट टू देम। कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि उन्हें लेटर जाके दिया जाता था और उनसे पेमेंट मांगी जाती थी तो वो इनकार कर देते थे और पेमेंट नहीं देते थे। दिस कॉज्ड ग्रेट लॉसेज टू द पोस्टल सर्विस। उसकी वजह से जो डाकखाना है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता था। इन द 19th सेंचुरी एन इंग्लिश मैन केम अप विद द आइडिया ऑफ अ पोस्टेज स्टैम्प। एक अंग्रेज था, 19वीं सदी में उसने एक ख्याल दिया पोस्टेज स्टैम्प का। एनी वन विशिंग टू सेंड अ लेटर वॉज आवाज आस्ट टू बाय द पोस्टेज स्टैम्प एंड पेस्ट इट ऑन द लेटर। उसमें ये तरीका किया गया कि जो शख्स भी लेटर सेंड करना चाहता है, अपना मैसेज भेजना चाहता है, तो उसे वो स्टैम्प खरीदनी पड़ेगी और फिर उसके ऊपर वो लेटर के ऊपर वो पेस्ट करेगा। जैसे ये लेटर एनवेलप नजर आ रहा है, इसके अंदर लेटर है और फिर ये स्टैम्प है इसके ऊपर, ये इस तरह से लेकर वो इसके ऊपर पेस्ट कर दी जाती थी और जिसने लेटर सेंड करना है वो ये पोस्टेज स्टैम्प जो है वो पहले खरीदेगा। वो जो भी प्राइस उन्होंने डिसाइड की होती थी इलाके के एतबार से, अगर कोई करीबी शहर में लेटर भेजना है तो उसकी प्राइस कम होती थी, अगर बहुत दूर भेजना है तो उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा होती थी। सो इस तरीके से जिसने लेटर भेजना है वही उस स्टैम्प को लेगा और उसके ऊपर पेस्ट करेगा। देन एनी वन विशिंग टू सेंड अ लेटर वॉज आस्ट टू बाय द पोस्टेज स्टैम्प एंड पेस्ट इट ऑन द लेटर। देन द लेटर वॉज डिलीवर्ड एट द गिवन एड्रेस, और फिर वो उस जो भी एड्रेस दिया जाता था वहां लेटर पहुंचा देते थे। द पर्सन रिसीविंग द लेटर डिड नॉट हैव टू पे एनीथिंग, और जो शख्स रिसीव करता था लेटर उसे कुछ भी पे नहीं करना पड़ता था, बिकॉज द पोस्टेज हैड ऑलरेडी बीन पेड बाय द सेंडर, क्योंकि जो उसके ऊपर पेस्ट कर दी है पोस्टेज खरीदकर, वो पहले ही भेजने वाले ने खरीद ली है और उसकी पेमेंट अदा कर दी है। तो अब जब रिसीव करने के लिए जो भी शख्स रिसीव कर रहा है उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ती थी। दिस सिस्टम बिकेम वेरी पॉपुलर एंड ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड इशूइंग देयर पोस्टेज स्टैम्प्स। और ये जो तरीका था ये बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। इससे ये हुआ कि हर तरह का नुकसान खत्म हो गया। जिसने लेटर भेजना है वो खुद ही स्टैम्प खरीदता था, सो वो इशू खत्म हो गया कि जो है पोस्टल सर्विस को किसी तरह का नुकसान होगा। हैव यू एवर पोस्टेड अ लेटर, कि आपने कभी कोई किसी को खत भेजा है, पोस्ट किया है? अब तो खत भेजने का तरीका आपके हाथ में तो बड़ा सिंपल है, मोबाइल से मैसेज कर देते हैं, लेकिन ये भी तरीका बड़ा खूबसूरत और प्यारा था। ईद कार्ड्स भी इस तरीके से पोस्ट किए जाते थे, ईद आने से पहले पहले विश करते थे लोग, या इसी तरह से कुछ और विश करने के लिए भी कार्ड्स, बर्थडेज वगैरह के लिए, या फिर और कोई मौके पर, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन अपने रिलेटिव्स को भेजनी हो तो खत लिखकर इस तरह भेजा जाता था। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग वे था।
टेलीग्राम वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड इन द 19th century, 19वीं सदी में ही टेलीग्राम भी इजाद हुआ. इट कुड सेंड मैसेजेस थ्रू इलेक्ट्रिक वेव्स. ये तरीका था, इलेक्ट्रिक वेव्स के जरिए मैसेज सेंड किया जाता था. आप इसको बिल्कुल वैसे समझ सकते हैं जैसे टेलीफोन वाला सिस्टम था. तो ये वेव्स के जरिए बहुत तेजी से दूसरे शहर में, दूसरे इलाके में मैसेज पहुंच जाता था. टू फार ऑफ प्लेसेस वेरी क्विकली, तेजी से दूर दूर जगहों पर. इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग अर्जेंट मैसेजेस लाइक न्यूज ऑफ इलनेस, डेथ, बर्थ, मैरिज, एग्जाम रिजल्ट एंड ऑल्सो न्यूज ऑफ पोलिटिकल इम्पोर्टेंस. ये मोस्टली इसलिए यूज होता था कि कोई ऐसी न्यूज जो बहुत इमरजेंसी है, लाजमी पहुंचानी है और जल्दी पहुंचानी है, जैसे किसी की बीमारी की खबर अगर पहुंचानी है, या किसी की डेथ की खबर फौरन भेजनी है, या किसी की पैदाइश की, शादी की, या फिर एग्जाम्स का रिजल्ट आपने पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को बताना है, या फिर पॉलिटिकल जो सियासी इम्पोर्टेंस की न्यूज होती हैं सियासी लिहाज से, वो खबरें पहुंचानी हो, जल्दी पहुंचानी हो, तो उसके लिए टेलीग्राम यूज किया जाता था. द टेलीफोन टू वॉज इन्वेंटेड इन द 19th century बाय एन अमेरिकन कॉल्ड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. और टेलीफोन भी इजाद हुआ 19वीं सदी में ही. ये तीनों काम जो हैं, जब लेटर भेजने का जो पोस्टल सर्विस था ये, उसके बाद टेलीग्राम और उसके बाद टेलीफोन भी 19वीं सदी में ही 19th century में इजाद हुआ. और ये था अमेरिका का एक शख्स था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसने इजाद किया था. एट दैट टाइम इट वॉज यूज ओनली फॉर मेकिंग कॉल्स ओवर स्मॉल डिस्टेंसेज. शुरू शुरू में जब ये बनाया गया तो इसके साथ एक वायर अटैच होती थी, तार होती थी, और इसकी वजह से ये बहुत वो कम फासले पर जो है कॉल करने के लिए, बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता था. सम पीपल थॉट इट वुड नेवर बिकम पॉपुलर. कुछ लोग सोचते थे कि ये कामयाब नहीं होगा, मशहूर नहीं होगा, और ये ऐसी मशीन है, खत्म हो जाएगी. टूडे यू कैन डायरेक्टली डायल टू ऑलमोस्ट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड. लेकिन आज तक के दौर में आप किसी भी जगह आपके लिए डायरेक्ट डायल कर सकते हैं. कहीं आपको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, कहीं आपको कॉल जो है वो करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट डायल करते हैं और दुनिया में कहीं पे भी कोई शख्स बैठा है तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डायलिंग. मेनी पीपल यूज टेलीफोन्स टूडे. बहुत सारे लोग आज के दौर में टेलीफोन यूज करते हैं. जो लोग समझते थे कि ये टेलीफोन इतना कामयाब नहीं होगा, उनके लिए आज ये देखिए कि दुनिया में दूर दूर तक फैला हुआ है और मोस्टली ज्यादातर इंसान टेलीफोन बड़े आराम से यूज कर रहे हैं. ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे. एक क्वेश्चन आपका है, एक्सरसाइज में देख लेते हैं. क्वेश्चन 4, व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे कॉल्ड ग्लोबल विलेज. ये अभी हमने रीडिंग नहीं की है इसलिए मैं अभी नहीं करवा रही हूँ. क्वेश्चन 5, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन. ये अभी हमने जो रीडिंग की है उसमें ये टॉपिक आ गया है. तो क्वेश्चन 5 आप आज के लिए होमवर्क में ले लें, छोटा सा आंसर है. टेलीफोन यहां से स्टार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर टेलीफोन, यहां पर 2 नहीं लिखेंगे अब आंसर में. टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड इन द 19th century बाय एन अमेरिकन कॉल्ड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. बस एक छोटा सा आंसर है, 5, और छोटा सा ही काम. लेकिन इस पेज की रीडिंग आपने जरूर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पोस्टल सर्विस कब इजाद हुई, टेलीग्राम का और टेलीफोन के हवाले से, ठीक है? और एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये आप होमवर्क करेंगे. अल्लाह हाफिज़.